ओम शांति। आज साकार महावाक्य 2/9/2022 मधुर संतान माने तुमको बाबा निर्देश हेउची तुमे एकमात्र बाबा ठारु ही शुण अविनाशी ज्ञान रत्न को शुणा द्वारा तुम कान मध्य मीठा अर्थात पवित्र होइछिबो। प्रश्न ड्रामार ज्ञान द्वारा तुमे पिला मानंकु एबे क्यों प्रकाश मिलेछि? उत्तर तुमको यही प्रकाश मिलेछि जे एही अविनाशी ड्रामारे प्रत्येकंकु निज निजर स्वतंत्र अभिनय मिलेछि। जनकर अभिनय अन्य जनक सहित मिसि पारिबो नाही। बुद्धि रे अछि जे सबुदिन एक समान होइ पारिबो नाही। 5000 वर्षर ड्रामारे दुईटी दिन मध्य एका सदृश होई पारिब नाही। एही ड्रामा अनादि कालरु तयारी होईछि जहाँ कि अभिकल पुनरावृत्ति होउछि। तेणु जदि ड्रामार स्मृति रहिबो तेबे सर्वदा उन्नतिर कला होई चलिबो। ओम शांति। अविनाशी सच्चा बाबांकर एहा अविनाशी सभा अटे। बाबा सेतेबेले एठाकु आसंती जेतेबेले बड़ सभा होइथाय। जेतेबेले सब आत्मा माने एठाकु आसी जांती सेतेबेले बाबा एठाकु आसुचंती। जदियो अल्प किछि आत्मा उपरे थिबे सेमाने मध्य आसी जिबे। एकथा तो समस्तंकु बुझा जायछि जे बाबा किए। प्रथमे प्रथमे बाबांकर महिमा सुनाइबाकु हेबो। सी सच्चा अविनाशी बाबा अटंती। अविनाशी सच्चा शिक्षक अविनाशी सच्चा सद्गुरु अटंती। एहा जनकर ही महिमा अटे। एही कथा पक्का मने रखिबा को हेबो। तेनो सर्वदा शिव बाबांकर नाम जप कर। जेतेबेले गणति करंती बिंदु को शिव बोली कहउचंती कारण बेहदर बाबा शिव अटंती। सी हेउचंती बेहदर शिक्षक। शिव बाबा आमको सृष्टिर आदि मध्य अंत तीन कालर ज्ञान देउछंती। सृष्टिर मध्य इतिहास एवं भूगोल रही। सत्ययुगरे किए राज्य करुथिले केते एरिया रे करुथिले तुमे माने कहिबो जे सत्ययुगरे देवी देवता माने सारा विश्व उपरे राज्य करुथिले। इतिहास रे देखाई छंदी ना किए किए केउंटी केउंटी राज्य करुथिले। जेपरी बरोदा वाला बरोदा रे राज्य करिवे ना एबे तो सब खंड खंड हो जाइछि। सेठारे एपरी हेबो नाही। सेठारे तो सेमाने सारा विश्वर मालिक हेबे। अन्य कौनसी धर्म रहिबो नाही। बाकी राजा माने काहे कि नथिबे? प्रत्येकंकु निज निजर पुरुषार्थ अनुसारे राजत्वर वर्षा मिलिबो। प्रथमरे मुख्य कथा हैला उच्चर उच्च शिव बाबा जे कि सच्चा बेहदर बाबा बेहदर शिक्षा देला बाला अटंती। जे कि सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बुझाई त्रिकालदर्शी करुछंती। दुनिया रे कौनसी मनुष्य त्रिकालदर्शी नुहंती जे कि रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिथिबे। से बेहदर सद्गुरु अटंती। समस्तंकु साथीरे नै जाउथिबा पंडा मध्य अटंती। दुनिया रे सबु शारीरिक पंडा रहिछंती। ई हेउछि आत्मिक पंडा। गीतरे मध्य सुनिला जे चारिधामर चक्र जन्म जन्मांतर लगाइल। तीर्थ सबु चतुर्पार्श्वरे भिन्न भिन्न स्थानरे रहिछि ना। चारिआडे चक्कर लगाइले तथापि भक्तमाने भगवानक सहित मिसि पारिले नाही कारण भगवान एही समय रे ही आसुछंती। जहांको पतित पावन कोहा जाय थाए। कलिजुग को सत्ययुग करिबा पई आमर बाबा भारत को आसुछंती। भारतवासी को पुणी थरे हीरा तुल्य स्वर्गर मालिक करुछंती। एपरी बाबांकु न जानिबा कारण रु साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कहि देउछंती। तुमे पिला माने कहुछ जे बाबा ब्रह्मांक मुख द्वारा आमको निचर करिछंती। आमे ईश्वरंकर कुटुंब अटु तेणु तुमे हेउछ शिव वंशी पुणी ब्रह्म कुमार कुमारी होइछ जहांको अविनाशी संतान कहा जाउछि। आत्मा मध्य अविनाशी
एवं बाबा मध्य अविनाशी अटंती। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए। देवी देवता जो मैंने कि सत्व प्रदान थिले से माने सत्व रज तमरे आसी जाइछंती। आत्मा रे विकारर खात पड़ुछि तेणु तमो प्रदान हो जाउछंती। आत्मा रे ही खात पड़ी थाए। आत्मा निर्लेप नुहे। आत्मा ही पुण्य आत्मा एवं पाप आत्मा होइथाए। तांकु कह आमे आपण को जहा सुनाउछु ताहा सुण। आम को आउ कहाठार शुणबार ना बाबा आदेश है तुम्हें कहाठार शुण ना से मैंने जहा कह शास्त्र कथा ही कहे ताहा तो आम जन्म जन्मांतर शुणी आसीचु धक्का खाई आसीचु। बेहदर बाबा तो जड़े ही अटंती। आम एभली बाबा शुणबू ना तुम ठार शुणबू। आम तुम मान शुणु तुम ठार शुणबू ना से मानक बुझाइबा दरकार जे जदि प्रजापिता ब्रह्मांकर एते ब्रह्मा कुमार कुमारी अछंती तेबे एमाने निश्चित रूपे भाई भौणी अटंती। आमको ब्रह्मांक द्वारा दादांक ठारु वर्षा मिलुछि। बाबांक बिना दादांक ठारु वर्षा किपरि मिलिबो। अनेक कहुछंती जे आमे तो सीधा दादांक ठारु वर्षा नेबो किंतु मिलिबो किपरि जेपर्यंत ब्रह्मा कुमार कुमारी न होइछ से पर्यंत दादांक ठारु वर्षा किपरि मिलिबो। नाती एवं नातुणी उभयंकु हक मिलिबार अछि। बाबांक बिना पुणी दादा केउ ठारु आसिबे तेणु प्रथमे प्रथमे आमको बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। से गीतार भगवान बेहदर सच्चा बाबा बेहदर शिक्षादाता अटंती। बाबा बुढ़ी माता मानंक पाई बहुत सहज करी बुझाउछंती। एहा हेउछि संगम जुग जेबे कि बाबा आसी पतित मानंकु पवित्र करुछंती। एहाकु घोर नरक बोली कुहा जाय थाए। समग्र दुनिया विषय बैतरणी नदी अटे। बाकी एहा कोनोसी पानीर नदी नुहे। एहाकु विषय सागर मध्य कहुछंती। परमपिता परमात्मा हेले ज्ञानर सागर एवं रावण हेला विषय सागर। ताठारु विकारर नदी प्रवाहित हेउछि। वर्तमान आसुरी संप्रदाय विषय सागर रे उबुटुबु हेउछि। एठारे केवल दुख ही दुख रहिछि। एही कथा को मध्य कोटि करु केही जणे ही बुझि पारिबे। केही केही तो बहुत भल होई मध्य पुणी आश्चर्य भावे पळाई जाउछंती। कहुछंती मध्य आमे स्वर्गर मालिक हेबाकु जाउछु तथापि पळाई जाउछंती। युद्धभूमि रे समस्तंकर विजय होइ न थाए। उभय पार्श्वरु केही केही मरिबे केही जितिबे। हाँ जदि पहलेमान होइथिबे तेबे अधिकंकु मारिबे। जे दुर्बल होइथांती से निजे मरि जांती। एठारे जे दुर्बल से तुरंत मरि जांती। तुमर रावण सहित लढ़ई हेउछि। काम विकारर जदि हारीगला तेबे बहुत बड़ आघात लगी थाए। मायार बक्सिंग होइथाए ना। केही केही तो बेहोश होई जायंती पुणी पार्टी करी उठी थांती। केही पुणी छिड़ा होई जायंती। सेही परि एठारे जदि काम विकारर चोट खाइल तेबे बहुत जोर रे धक्का लागिबो। कला मुह होइजिबो। क्रोध पई एते कोहंती नाही जेते काम विकार पई कोहंती। ये हेउछि आमर बहुत बड़ शत्रु। आमको बहुत दुख देउछि। काम विकार द्वारा ही बहुत दुखी होइछंती। काम विकार द्वारा ही पतित हेउछंती। नानक मध्य कहिथिले मुत पलिति कपड़ा धोए अर्थात विकार युक्त वस्त्र सफा कले। बाबा आसी से वस्त्र को सफा करुछंती। एहा तुमर पुराणा शरीर अटे। प्रत्येकंकु निज निजर अभिनय मिले। जनकर अभिनय अन्य जनक सहित मिसी पारिबो नाही। एहा ड्रामा अटे ना। सबुदिन एक समान होई पारिबो नाही। एहा 5000 वर्षर ड्रामा अटे। एथिरे केते दिन थिबो दुई दिन मध्य एका परी होई पारिबो नाही। जहा कि 5000 वर्ष परे पुणी सेही परी पुनरावृत्ति होई थाए।
एहा अनादि ड्रामा अटे सेकेंड पर सेकेंड अभिनय चली पुणी एहार पुनरावृत्ति होता है क्योंठ सत्यजुग के पुणी एक कलिजुग सेठे कण होता कण होता है तुम पे ज्ञान आलोक मिलू एवं तुम उन्नतिर कला आरंभ हो बाबा कहते विकार दान दि तेब विकार ग्रहण छाड़ एहा सीधा कथा बाबा तुमठारु विकार दान ने बदल रे देख तुम्हें कण दे तुम्हें कौड़ी देउछ बाबा तुमको ज्ञान रत्न देउछंती बाबा को रत्नाकर सौदागर बोली कहा जाए थाए तेबे बाबांकर मध्य एही ड्रामा रे अभिनय रही आत्मा केते छोट किंतु सेथिरे केते शक्ति रही केते ज्ञान मध्य रही अविनाशी ज्ञान देवा मध्य ड्रामा रे निर्धारित हो रही पुणी कल्प परे एही ज्ञान देवे एही ड्रामा केबे विनाश हेब नाही केते विचित्र कथा आत्मा रे 84 जन्मर पाठ रही एते छोट बिंदु रे केते अभिनय भारी हो रही एहा बहुत गुह्य कथा अटे तेणु प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय देवाकु हेब से रूप मध्य अटंती बसंत मध्य अटंती तेणु निराकार आत्मा निश्चित मुख द्वारा शुणाइबे ना आत्मा कान द्वारा एही ज्ञान शुणिब नचेत ज्ञान सागर किपरि शुणाइबे निश्चित ब्रह्मा मुख द्वारा शुणाइबाकु पड़िब विष्णु बा शंकर तो ज्ञान दे पारिबे नाही एकमात्र निराकार को ही ज्ञानर सागर बोली कहा जाए थाएंठू तुम्हें ज्ञान गंगा मान सृष्टि सागर तो जड़े अटंती ना बाबा ही आदि मध्य अंतर ज्ञान दे सत्ययुगर सूर्यवंशी राजा माने थिले सेठारे आठटी राजत्व चलला पुणी से ही माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी होती एही ज्ञान तुम ब्राह्मण मानक पाखरे ही अच्छी तुम्हें माने हेउछ मुख्य वंशावली ब्राह्मण पिता समस्तंकर जणी अटंती दुनिया रे थिबा ब्राह्मण हेले कुख वंशावली तुम्हें हेला मुख्य वंशावली से माने शारीरिक यात्रा कणी पुणी घर को फेरी जाउछंती किंतु आमर यात्रा गोटिए आमे थरी मात्र अमर लोकर यात्रा करूछु आउ ए मृत्यु लोक को आसीबार नाही स्वर्ग को अमर लोक कहा जाए थाए सेठारे कौनसी यात्रा होइ न थाए कारण सेठारे भक्ति ही नाही एहा हेउछि ब्रह्मांकर रात्रि जेउठारे भक्तिर धक्का रहिछि चारियाडे घुरी आसिलु तथापि आपणक ठारु दूर रे रहिलु स्वर्गर मालिक करिला वाला बाबा मिलिले नाही तुम्हें माने डाकुछ हे पतित पावन आस आसी आम को पवित्र कर तेबे पुणी गंगा स्नान करिबा को काहिं के जाउछ सी तुमको पवित्र किपरि करिवे जदि गंगा द्वारा पवित्र होई पारिब तेबे पतित पावन को काहिं के डाकुछ गंगा रे स्नान करिबा पई केते लक्ष लक्ष लोक जाउछंती पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता अटंती बाकी सबु भक्ति मार्ग रे धक्का खाउछंती सेमानन को जुक्तिर सहित प्रश्न पचारिबा दरकार तेबे सेमाने बुझिजिबे जे ये त बहुत कायदार सहित पचारुछंती जदि एकमात्र पतित पावन को डाकुछंती तेबे पुणी अनेकंक पाखरे धक्का काही के खाउछंती बाबा कहउछंती जे मु आसुची तुमको पवित्र करे स्वर्गर मालिक करिबा पई तेणु तुम भितर आंतरिक खुशी रहा दरकार जे बाबा आमको पवित्र करी स्वर्गर वर्षा देवस्तव में लक्ष्मीनारायण स्वर्गर मालिक थिले सेमानंकु बाबांक ठारु वर्षा मिलिथिला तुम्हें माने एकथा मध्य पचारि पारिब जे लक्ष्मीनारायण स्वर्गर मालिक थिले तेबे निश्चित सेमानंकर प्रजा मध्य थिबे सत्ययुगर आरंभ रे तो सेमानंकर राज्य थिला एबे तो तुम्हें संगम युगरे अछ एठारे तो प्रजाकर प्रजा उपरे राज्य चली विनाश मध्य सम्मुखें उपस्थित कल्प कल्पर संगम युगरे बाबा आसुछंती बाबा ही आसी सहज राजजोग शिखाउछंती
तुमे माने जीवन मुक्ति पाउछ, बाकी समस्ते मुक्ति को जीवे। एही भारत सुखधाम थिला ना, एबे तो दुखधाम होई जाइछि। वर्तमान देवी देवता धर्म तो नाही, जहा कि पुणी थरे स्थापना हेबा को जाउछि। तुमे पिला माने राजयोगर शिक्षा ने राज्य भाग्य पाउछ, कंटारु फूल हेउछ। एठारे तो समस्ते कंटा सदृश अटंती, परस्पर को दुख देउछंती, अर्थात काम विकार बशवर्ती होउछंती। एबे बाबा तुमको फूल भली करुछंती, तेणु काम विकार बशवर्ती हेबा उचित नुहे। एथिपाई साहस रखिबा को पड़िब। साहसी माने एही मार्गरे आग को चली जाउछंती। बाबा देखुछंती एहंकर भल साहस अछि, ये केबे तल को खसी जिबे नाही। तेणु एहीपरि साहसी मानंकु शरण मध्य देउछंती। किंतु एपरि नुहे जे पुणी स्वामी बा पिला आदि मने पड़िबे। आरंभरु भट्टी होइथिला, भट्टीरे तो सबु ईटा पोड़ी न थाए। एठारे मध्य सेहीपरि पुरुषार्थर क्रम अनुसार पोड़ी हुई प्रस्तुत हो जाउछंती। बाबा कहउछंती कल्प पूर्व सदृश एही ज्ञान यज्ञ रे अनेक प्रकार विघ्न तो पड़ी चलिबो। कई कई अवज्ञाकारी पिला मध्य अछंती, जे माने कि बाबांकर कथा को केबे भी मानंती नाही। ऋषि जानती एहार अर्थ निजर भाग्य ठारु ऋषुछंती। सेमानंकर भाग्य उच्च होई न थाए, देह अभिमान कारणरु निज मतरे चालिबारे लागी जानती। नचेत प्रति पदक्षेपरे श्रीमत अनुसारे चालिबा दरकार। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा श्रीमत देउछंती, एपरि नुहे जे प्रेरणा द्वारा कहा को मत देबे। जदि एपरि होइथांता तेबे एहांक शरीर रे आसी एते संतान जन्म करिबार दरकार ही कण थिला। भल भल पुरुणा पिला माने भाबुछंती जे आमे तो शिव बाबांक ठारु सीधा सड़क वर्षा नेबो, तांक पाखरे देह अभिमान बहुत अछि। एही कथा को संपूर्ण रूपे मने रख जे आमर सच्चा बेहदर बाबा ही बेहदर वर्षा देउछंती। बेहदर वर्षा अर्थात नररु नारायण करुछंती। सेठरे स्वास्थ्य एवं संपत्ति उभय थाए, तेणु खुशी रही थाए। एठरे जदि कहार स्वास्थ्य भल अछि त संपत्ति नाही, कहार जदि संपत्ति अछि तेबे स्वास्थ्य नाही। पिला जदि जन्म न हुए तेबे अन्य पाखरु पोष्य करिथांती, सेठरे एसबु कथा होई न थाए। सेठरे तो गोटिए पुत्र निश्चित हेबो, एहा हेउछि दुख धाम। रावण ठारु दुखर अभिशाप मिलिथाए, बाबा आसी आमको वर्षा देउछंती। एठरे तुम पिलामानंक मुख प्रतिदिन मिठा करा जाउछि। सेंटर गुडीकरे तो गुरुवार दिन मुख मिठा कराउथिबे। एठारे तो कान मध्य मिठा करा जाए, तो मुख मध्य मिठा करा जाए थाए। आत्मा एही कान द्वारा अविनाशी ज्ञान शुणुछि, आखि द्वारा देखुछि, मुख द्वारा खाउछि, तेणु तार स्वाद को जानुछि। तुम मानको संपूर्ण आत्म अभिमानी हेबाको पड़ुछि ना। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश एक नंबर, फुला भली होई समस्तंकु सुख देबार अछि, कहाको भी कंटा लगाइबार अर्थात दुख देबार नाही, केबे भी बाबांकर अवज्ञा करिबार नाही कि रुसिबार नाही। दुई नंबर, पादे पादे बाबांकर श्रीमतरे चालिबार अछि, निजर मत चलाइबार नाही, देह अभिमान रे आसी आज्ञार अवज्ञा करिबार नाही। वरदान आध्यात्मिक समाजसेवी होई हलचल परिस्थिति को अतिक्रम करिबार साहस प्रदान करुथिबा सच्चा सेवाधारी हुआ। वर्तमान समय अनुसार विश्वरे दिनकु दिन हलचल अधिक वृद्धि पाइब। अशांतिर हिंसार समाचार गुड़िक शुणिबा सहित तुम्हें आध्यात्मिक समाजसेवी संतान माने विशेष भावरे सतर्क रही निजर शक्तिशाली विचारर तरंग द्वारा समस्तंक भितरे शांतिर एवं सहन शक्तिर साहस भरिबाकु हेब, तथा लाइट हाउस भली आलोकर केन्द्र होई समस्तंकु शांतिर आलोक प्रदान करिबाकु हेब। तेणु एही कर्तव्य को एते तीव्र गति रे पालन कर,
जहाद्वारा आत्मा मानंकु आत्मिक आराम मिल पार जलुवा दुख अग्नि भितर शीतल जल भर अनुभव करे। स्लोगान जदि समस्त सम्मान प्राप्त करने को चाहछ तेबे निर्माण चित्त हुआ। ओम शांति।